है कि गर्मियां अब आ गई हैं और चल भी रही हैं और भयंकर वाली चल रही हैं। गर्मियों में हम मास गेनर ले या प्रोटीन ले, बॉडी बनाने के लिए, बॉडी बनाना चाहते हैं हम, अपने फिटनेस गोल्स अचीव करना चाहते हैं, मास गेनर ले या प्रोटीन ले, कौन सा बेटर ऑप्शन? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स वाला फैमिली पर, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब चैनल परिवार है हमारा। तो आज हम फिर आज इन आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इनके बारे में नहीं करेंगे, सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं, एक टॉपिक जो आपके भी मन में होगा और बहुत ज्यादा इंक्वायरी आ रही है इस टॉपिक को लेकर। तो वो टॉपिक है कि गर्मियां अब आ गई हैं और चल भी रही हैं और भयंकर वाली चल रही हैं। गर्मियों में हम मास गेनर ले या प्रोटीन ले, बॉडी बनाने के लिए, बॉडी बनाना चाहते हैं हम, अपने फिटनेस गोल्स अचीव करना चाहते हैं, मास गेनर ले या प्रोटीन ले, कौन सा बेटर ऑप्शन है? तो दोस्तों यहां पर इसी टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे कि गर्मियों में आपको मास गेनर लेना चाहिए या प्रोटीन लेना चाहिए। देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि मास गेनर क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, समझना, दोनों का काम बताऊंगा मैं आपको और क्या होते हैं ये, कैसे वर्क करेंगे उसको, उसके बारे में थोड़ा बेसिक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मास गेनर के बारे में। देखो मास गेनर मतलब एक कंप्लीट मील की तरह होता है, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है। इसमें मेजर जो पोर्शन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहां पर मास गेनर में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, फैट मिलेगा, सब कुछ, मतलब एक थाली भरे खाने की तरह है ये मास गेनर। क्या काम करेगा? देखो जो भी स्किनी बॉडी वाला है, पतली बॉडी वाला है, जिसको वेट पुट ऑन करना है, उसके लिए ये डिजाइन किया जाता है और मोस्टली वही इसे परचेज करते हैं। तो मास गेनर समझ गए आप। अब वहीं आ जाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है दोस्तों? वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट होते हैं दूसरे ही बनते हैं और ये मतलब आपकी मसल बिल्डिंग करते हैं। वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट है वो आपकी मसल्स को रिकवरी देगा, मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। प्लस में एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि वे प्रोटीन हमारी बॉडी की बेसिक नीड है, समझना मेरी बात को। अगर आप जिम नहीं करते हैं, प्रोटीन इंटेक आप डाइट से कवर नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, समझ रहे हैं आप? तो यहां वे प्रोटीन बिल्कुल नेचुरल चीज है, और जिसका भी गोल है मसल बिल्डिंग का, वजन ना बढ़े, और प्रोटीन से वजन बढ़ता भी नहीं है, तो वजन ना बढ़े मसल बिल्डिंग हो, तो उसके लिए डिजाइन किए जाते हैं वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, या जो प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पाता है उसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट, और जिसका वजन कम है उसके लिए मास गेनर। तो यहां पर आप थोड़ा डिफरेंस समझ गए इन दोनों में। अब बात कर लेंगे कि किसको लेना चाहिए। देखो जो भी आपका बॉडी गोल है, ऐसा गर्मियों में सर्दियों में वाली कोई बात नहीं होती है इसमें, इसमें आपका बॉडी गोल मैटर करता है। क्या बॉडी गोल? कि अगर आपकी बॉडी स्किनी है, आपका वजन है 40, 45, 50, 55, आपको वजन बढ़ाना है, दिमाग में फोकस है किसी तरीके से टी शर्ट जो मैं पहन रहा हूं वो टाइट हो जाए, वजन मेरा बढ़ जाए, तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए मास गेनर, जो कि आपको कैलोरी सरप्लस में रखेगा और वजन बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो मास गेनर जब वजन बढ़ाना है, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, कुछ भी हो, ये मतलब एक बात बोल रहा हूं मैं, उसमें मास गेनर का कोई लेना देना नहीं है। मास गेनर की वजह से कोई गर्मी नहीं आई है, सर्दी नहीं आई है। मास गेनर अपना काम जो है गर्मियों में सेम करेगा और बरसात में भी सेम करेगा और सर्दियों में भी सेम करेगा। हाँ, वो फैक्टर देखो अलग हो जाता है कि गर्मियों में नेचुरल जो पेट थोड़ा भरा भरा रहता है क्योंकि लिक्विड इंटेक ज्यादा रहता है, पानी ज्यादा पीते हैं हम, तो वो फैक्टर अलग है। अब वहीं अगर मैं वे प्रोटीन की बात करूं, तो अगर आपका गोल है कि मुझे वजन नहीं बढ़ाना, मसल बिल्डिंग करनी है, मसल्स को रिपेयर करना है, इंस्टेंट रिकवरी चाहिए, मुझे मेरा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना है, तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए वे प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर। जी हाँ, ये पाउडर फॉर्म में होता है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट जब आपको सिर्फ मसल बिल्डिंग करनी है, वजन नहीं बढ़ाना है, ऑलरेडी आप ठीक वजन है, आइडियल वेट है, या थोड़ा बहुत बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ओवर अंडर वेट नहीं है, तो आप लीजिए वे प्रोटीन, जिम करने के बाद लीजिए इसको पानी में, और ताकि ये मसल्स को इंस्टेंट रिकवरी दे सके, और ड्यूरिंग डे वगैरह आप इसको दूध में भी ले सकते हैं कम क्वांटिटी में। और वहीं अपना जो है मास गेनर, मास गेनर को जो है लेने का तरीका तो मैंने स्पेशल बताई रखा है, एक वीडियो में खाके बताया बकायदा, ये वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ रहा है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसको तो आपको दूध में साथ में बनाना, ब्राउन ब्रेड, ड्राई फ्रूट, दिन में कम से कम 2-3 बार आपको यूज करना है मास गेनर। और वहीं वे प्रोटीन जो है इसका जो यूज होगा वो आपका जिम के बाद ही होगा, मेजर जो यूज है, बाकी प्रोटीन इनटेक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो उस दिन आप इसको दूध में भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो यहां दोनों में डिफरेंस आपको मैंने बताया, समझाया। तो अब आपका गोल क्या है, बॉडी गोल, उसके हिसाब से आप सप्लीमेंट लीजिए। सर्दी गर्मी को आप ना देखिए, इनका कोई रिलेशन नहीं है, सर्दियों में लेंगे गर्मियों में नहीं लेंगे, गर्मियों में ले लेंगे सर्दियों में नुकसान करेगा, कुछ होगा। ओरिजिनल आप चाहे मास गेनर ले लो, ओरिजिनल आप चाहे वे प्रोटीन ले लो, दोस्तों इनका कोई भी नुकसान नहीं होता। और ओरिजिनल कहां मिलेगा?
जहां से पूरा इंडिया लेता है, कहां से? सप्लीमेंट्स विलास। और बाकी सपोर्ट तो आपको पता ही है पूरी, और पूरी फैमिली वाली फील। तो आपको समझ आ गया होगा कि मांस ग्रहण को या प्रोटीन को सर्दियों में गर्मियों में क्या है क्या नहीं है। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ है मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ओरिजिनल मांस ग्रहण चाहिए या वे प्रोटीन चाहिए, जो भी चाहिए, कहां से लें? सप्लीमेंट्स विला से लें। ऑर्डर कर सकते हैं आप सप्लीमेंट्स विला से। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, ऑल ओवर कोरियर सर्विस अवेलेबल है। ऑनलाइन ले आप सप्लीमेंट्स विला से, या ऑफलाइन ले सप्लीमेंट्स विला आउटलेट से, आपको सपोर्ट मिलेगी पूरी। और दोस्तों रिजल्ट तो आएंगे जब प्रोडक्ट होगा ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से लिया हुआ, और डाइट और एक्सरसाइज पर विशेष फोकस होगा तो रिजल्ट तो आएंगे, और साइड इफेक्ट फ्री आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे वो टिकेंगे। आज के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।